हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 100 टर्न एंड ईच टर्न हैज एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पर ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई मैग्नेट 0.01 टेस्ला। द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कॉइल 0.05 रेडियन। वेन द करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर इज पास थ्रू इट, द टॉर्शनल कॉन्स्टेंट ऑफ द सस्पेंशन वायर इज, ये गिवेन है पूरा, द वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, ठीक है। सोल्यूशन, तो पहले क्या क्या गिवेन है वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स गिवेन है 100 टर्न, और एरिया गिवेन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो 2 × 10⁻²⁰ मीटर, ठीक है। एरिया हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी 0.01 टेस्ला, और डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉयल दे रखा है 0.05 रेडियन में ही है, ठीक है, रेडियन में ही चाहिए होता है, ठीक है। करंट कितनी है, आई बराबर 10 मिली एम्पियर है, इसे चेंज कर लो 10 × 10⁻³⁰ एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर। टॉर्शनल कॉन्स्टेंट सी पूछ रहा है, ठीक है। फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये स्टैंडर्ड केस होता है इसका, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क NIAB रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होता है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है पूरा और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में इतना होता है। सी का नाम रिस्टोरिंग टॉर्क है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट है, सी का नाम टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, यही पूछ रहा है हमसे सी। तो सी की वैल्यू कितनी होती है, NIAB/5, बस वैल्यू पुट करनी है, सी निकाल लो आप यहाँ से, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट सी। अच्छा, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू गिवेन है बेटा, सी नहीं पूछ रहा, सी गिवेन है x × 10⁵ - 5 Nm/rad। ये 1 रेडियन में कितना टॉर्क है उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, सी नहीं पूछा, एक्स पूछा है बेटा, वैल्यू पुट कर दो। सी की वैल्यू x × 10⁻¹, एन की वैल्यू 100, आई की वैल्यू 10 × 10⁻³, ए की वैल्यू 2 × 10⁻⁴, बी की वैल्यू 0.01, फाइव की वैल्यू 0.05, ठीक है। तो इससे ये हट गया, देखो पूरा 5 से ये कट गया 2 बार, तो ये हो गया x = 10⁻¹। अब देखो 2 और 2 4 हो गया, पहले तो ये लिख लिया 2 और ये 2 4, और 4 और 3 7, और प्लस के 2 ये तो -k 5 भाई, 4 और 3 हो जाएगा -k 7, और प्लस के 2 तो -k 5, इससे ये कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी 4 लंबे लिख देंगे कि 4 वैल्यू है साहब, ये इसका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला बेस्ड। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।